पीछे से कैच कर ऊपर से, हां कैच कर, पीछे से कैच करना, पीछे से, पीछे से कैच कर, पीछे से उल्टा, हां पीछे से कैच कर इसको। बाकी सारे आसन बहुत अच्छे हुए आज। नाउ हला फोन किसके पास है मेरा? नाउ पूर्ण भुजंगासन एक बार वार्म अप कीजिए पूर्ण भुजंगासन की। कम ऑन नीज फोल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 ओके नाउ पर्वतासन। कम ऑन इनटू पर्वतासन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो राज के पोदासन के लिए राइट लेग अप और राइट पैर को फोल्ड कीजिए राइट लेग को। यस गुड ओके नाउ अभी क्या करना है दोनों हाथ सामने की तरफ रखो लाइक प्लैंक होल्ड की तरह दोनों हाथ सामने रखेंगे सामने की तरफ लेट जाए आर्म स्ट्रेट फोरहेड ऑन योर मैट आर्म स्ट्रेट इसी में भुजंगासन करो लेग ऐसे ही रहने दीजिए भुजंगासन करें इसी में। एंड नाउ कम ऑन लेग पीछे से कैच कीजिए राज के पोतासन के लिए। यस कम ऑन राज के पोतासन करेंगे सभी वेरी गुड बहुत अच्छे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बने रहेंगे 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 and 30 वेरी गुड। योग करो निरोग रहो। आपने यह कहावत अवश्य सुनी होगी यह कहावत 100% सही है। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे क्योंकि योग करने से हम निरोग रहते हैं हमारे रोग मिटते हैं हमारा शरीर स्वस्थ रहता है इसलिए योग करना जरूरी है। क्या नाम है बेटा आपका? मैं आज आपको योग के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। योग की वजह से हमारे शरीर के सभी जोड़ स्वस्थ मजबूत रहते हैं और हमारा शरीर बलशाली तथा स्वस्थ रहता है। योग करने से हम ताकतवर और हमारा शरीर बहुत स्वस्थ बन जाता है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम यशवीर है। धन्यवाद सर रविंदर जी सबसे पहले सभी को प्रणाम। और क्योंकि आज सभी को पता है कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी हमारे जीवन में हमारा स्वस्थ जो शरीर है वो सबसे पहले हो चुका है और इसी शरीर को हमेशा स्वस्थ रखना है तो हमें अपने इस पंच महाभूति शरीर जो हमारे यह शरीर भगवान ने हमको दिया है उसको स्वस्थ रखने का हमारा जो कर्तव्य है वो पहले बनता है। तो इस कड़ी में जैसे हमको पता है कि योग सबसे ज्यादा अपना साथ निभाता है तो इसलिए इसी जरिए तो क्योंकि मैं योगा पिछले 7-8 साल से करता आ रहा हूँ और अभी मैंने लेटेस्ट मास्टर्स की है और नेशनल योगा प्लेयर रहा हूँ तो इसीलिए अभी मैंने 2-2.5 साल से जैसे योगशाला ओपन की है तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोग आ रहे हैं तो लोगों को अपना शरीर का महत्व का पता चला है धीरे धीरे पता चल रहा है तो रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। अच्छा बच्चों के लिए क्या कुछ टाइमिंग रहता है अडल्ट के लिए क्या कुछ टाइमिंग रहता है? सर सुबह 5 बजे योगशाला ओपन हो जाती है 5 to 6 6 to 7 7 to 8 3 बैच मॉर्निंग में रहते हैं अडल्ट्स के लिए ये तीनों बैचेज रहते हैं फिर इवनिंग में फिर अडल्ट्स का होता है 4 to अभी स्टार्ट हुआ है कल से 4:30 से 5:30 क्योंकि गर्मी की वजह से एक ही कर दिया है मैंने और उसके बाद इवनिंग में बच्चों के 2 बैचेज हैं 6 to 7 and 7 to 8 क्योंकि बच्चे ट्यूशन से जाते हैं उसके बाद उनको आना होता है तो ये 2 बैच आपके बच्चों के हैं 6 to 7 7 to 8 और दिन में 3 से 5 बैच हमारे अडल्ट्स के। नितिन जी अगर किसी को योगा की जो YTT का कोर्स करना है उसके लिए भी आप जैसे नेशनल प्लेयर भी हैं तो क्या कुछ सुविधाएं हैं अपने पतंजलि योगशाला इंद्रियों में? सर क्योंकि ये सर्वमान्य सच है कि आने वाले टाइम में हर इंसान को एक बेस्ट हेल्थ टीचर चाहिए कोई ना कोई क्योंकि आने वाला टाइम जो है
बहुत ज़्यादा व्यस्तता से परिपूर्ण होने वाला है। तो हर जगह लोग देख रहे हैं कि कहाँ से कोई योगा टीचर मिल जाए, तो योगा टीचर आज हमारे जीवन में एक बहुत अच्छा रोल निभा रहा है। तो इसी कड़ी में मैंने YTT योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट किया है। तो कोई भी अगर इस आपने अगर प्लस टू की हुई है और कोई भी अगर YTT योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना चाहता है तो एक बिल्कुल संस्थान जो कि गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज है उसके द्वारा YTT योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स करवा रहा हूँ। तो मैं जैसे योगा टीचर बना हूँ ऐसे और भी कोई बनना चाहता है तो उसको मैं प्रैक्टिकल और थ्योरिकल क्लास देता हूँ, और ताकि वो अच्छे से उसको बारीकी बताऊँ कहाँ कहाँ हमारे शरीर में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन से आसन करने से किस बीमारी को दूर किया जा सकता है। और हमारा योग जो ऋषि आज जो पाश्चात्य जो संसार है यानी कि जो पश्चिम देश है वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं जो भारत देश है। तो मैं चाहता हूं कि इंडिया में भी काफ़ी सारे योगा टीचर हों ताकि हम भारत के साथ साथ बाहर के देशों का भी भला कर सकें। दूसरा, आप समय समय पर कंपटीशन कराते रहते हैं योगा के, आगे भी कोई इस प्रकार का कंपटीशन होने जा रहा है? यस सर, अभी इसी मंथ की लास्ट में आई थिंक 28 अप्रैल को इसमें 11 एज ग्रुप हैं अलग अलग, तो उसमें पतंजलि योगशाला एक योगा कंपटीशन करवाने जा रहा है ब्लॉक लेवल का। कोई भी बच्चा जो अपने स्कूल में कहीं पर भी पढ़ता है तो मैं सभी स्कूल्स जितने भी इंद्री ब्लॉक में स्कूल्स हैं उनको इनवाइट कर रहा हूं, अपने स्टूडेंट्स को जो अगर आपके बच्चों में आपके स्टूडेंट्स में एबिलिटी है अगर वो अच्छे आसन करते हैं, और दूसरी बात मैं आसन की PDF एक बना के एक पोस्टर के थ्रू मैं देना जा रहा हूं पूरे इंद्री हल्के में, और वो हर एक जो संस्थान है मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, मैं उनको PDF भेजूंगा कि किस बच्चे किस उम्र से किस उम्र बच्चे को क्या आसन करने हैं। 28 अप्रैल अभी दिख रही है कि मैं संडे है उस दिन तो करवाने जा रहा हूँ, और पिछली बार भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, लगभग 100 कैंडिडेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो सबको गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिला जाएगा और सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट अलग से मिलेगा, और ऐसे ही फर्स्ट 3 जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे वो अलग से पतंजलि योगशाला। कई लोगों के मन में आता है कि हो सकता है नितिन जी कभी ज़्यादा कुछ पैसे लेते हैं योग के, पूछ नहीं पाते, तो योगों को एक बार लोगों को बताओगे मात्र कितने रुपए की एक दिन की फीस होती है कि पूरे महीने में एक बच्चा एक अडल्ट योग कर सकता है? सर मुझे इतना पता है कि एक चिप्स का पैकेट जितना आता है ना उस चिप्स के पैकेट से भी सस्ता है आजकल, 30-35-40 रुपए का चिप्स का पैकेट आता है, और लेकिन ये सिर्फ 30 रुपीज, मात्र 30 रुपीज पर डे की अगर हम हिसाब लगाएं, और आप जीवन जीने की कला सीख जाते हैं, हर प्रकार की बीमारियों से दूर हो जाते हैं। हमको ये अब निर्णय करना है कि हम जहर को लें या अमृत को पान करें, तो अब ये आपके हाथ में है, आप जहर खाओ बच्चों को जहर खिला रहे हो या अमृत का पान कर रहे हो। यहाँ पे ना केवल योग की आपको आसन सिखाए जाते हैं बल्कि जीवन जीने की विधि कैसे हमारे शास्त्रों में भागवत गीता में योग दर्शन में हमको सिखाया गया उसका भी पाठ पढ़ाया जाता है। तो कितनी फीस है सर एक महीने की? सर 1 मंथ की 1000 पर मंथ फीस है, और अगर कोई 3 महीने के लिए एक बार में पैसे देता है तो उसको मात्र 2500 यानी कि 2500 रुपए देने पड़ेंगे। यस तो साथियों ये तस्वीरें आप देख सकते हैं CGN 24 पर, मैं रविंद्र डांगी आपको तस्वीरें दिखा रहा था। मेरी भी आप सभी दर्शकों से अपील रहेगी कि हमेशा हम आपको खबरें तो दिखाते हैं लेकिन आपको शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए वो भी आपको दिखाते हुए नजर आ रहे। हमारे समक्ष बैठे हुए थे आप देख सकते हैं योग के मैं कहूँगा बादशाह नितिन गांधी जी, कैसे छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरे शरीर को अपना लचीला बना देते हैं। आजकल जो जंक फूड आप खाते हैं, हाइजेनिक फूड आप खाते हैं, उससे बचने के यही एक उपाय है मात्र योग। जिम में भी आप जाते हैं बड़े बड़े प्रोटीन लेते हैं, बड़ी बड़ी कसरत करते हैं, लोहे के साथ लोहा बनना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर योग अपना करके आप अपने बच्चों को अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं मात्र 1000 रुपये प्रति माह। और अगर आप 3 महीने की फीस एडवांस में देते हैं तो 2500 रुपये प्रति माह, और मैं एड्रेस बता देता हूँ, हाँ तो मैं कहूँगा 2500 रुपये 3 महीने के, यानी कि मैं कहूँगा 800-750 रुपये प्रति माह पड़ता है आपको। तो बालकिशन कॉलोनी है बिल्कुल मटक माजरी अड्डे पर, शहीद उधम सिंह कॉलेज रोड से जो रास्ता जाता है शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय पर, उसी पे 3 नंबर गली आती है अमृत हॉस्पिटल है, उसके बिल्कुल सामने पड़ता है पतंजलि योगशाला। तो आप कॉन्टैक्ट करिएगा, नंबर भी ये सामने लिखा हुआ आप देख सकते हैं 9896095994, इस पर कॉल करके आप जरूर बातचीत कर सकते हैं। और एक और बता देता हूँ, सीटें जो है वो सीमित है, जल्दी करिएगा। योग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है इसलिए हम यहाँ पे योग करते हैं। यहाँ योग हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यह मेरी पापा की योगशाला है,
मेरे पापा का नाम नितिन गांधी, नंबर 9896094. थैंक यू. क्या नाम है आपका? युवराज.